सिविल साहब, रात में कुछ इमरजेंसी में बवाल हो गया था, क्या मामला है संक्षेप में बता दें। ये एक पेशेंट आया था, उसको डॉक्टर तबशीर अहमद साहब देख रहे थे। वो संतुष्ट नहीं था और पेशेंट के घर वालों ने मुझसे बात करानी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वो पेशेंट असंतुष्ट हो गया, उसके घर वाले संतुष्ट रहे। मैंने डॉक्टर साहब को समझाया कि पेशेंट को देख लीजिए, उसकी जो समस्या है उसको देख लीजिए। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक विपरीत परिस्थिति पैदा कर दी और इतना समस्या आ गया कि उन्होंने अपने घर वालों को बुला लिया और कुछ इस तरह से बातें कही कि वहाँ की व्यवस्था बिगड़ गई और ड्यूटी करने से मना कर दिया उन्होंने, और पूरा अस्पताल जो अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में रोगियों के प्रति हमारी संवेदना होती है, उनको देखना, उनका इलाज करना, अपने सीनियर्स अपने सीनियर्स की बात सुनना एक डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। उसके विरुद्ध जाना और ड्यूटी से भाग जाना, ये कहना कि मैं करूँगा नहीं जिसको जो करना हो, ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ख़राब बात है, एक डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता है। हम उच्च अधिकारियों से संबंध में इनके विरुद्ध चिट्ठी लिखेंगे। और दारू पिए थे जी, कहते हैं कि कहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से जी, आए थे ट्रीटमेंट कराने, तो मैं जैसे आए जी मेरा देखा, इंजेक्शन वगैरह लगवाया, फर्स्ट एड यानी ड्रेसिंग वगैरह करवाया। के बाद वो लोग कहने लगे कि सीएमएचआर से बात कर लो, हम क्या चीज मास्टर से बात करना है ये बताइए। पहले बात कर लीजिए, हमने कहा इतनी यहाँ भीड़ है, हम पेशेंट देखे आप लोग काम में अवरोध डाल रहे हो, अब कोई अच्छा आपका काम ना हो तो सर से बात कर ले जी। तो कह रहे हैं आपकी इतनी बड़ी औकात है, आप सर से नहीं बात कर रहे हो, फिर गाली गलौज देने लगे, मुझे करते हैं लगे। अच्छा, आपकी तरफ से आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आपने कुछ अपने गांव के कुछ लोगों को बुला लिया था मौके पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं था मौके पर मेरे गाँव के। कौन था वहाँ? कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ लोग आए थे आपकी तरफ से? अरे भाई, जब कहने का मतलब जब ये लोग ताड़ो मचा दिए, परेशान कर दिए, तो हम इमरजेंसी छप कर के अपना जो कुछ लोग कहने का मतलब इमरजेंसी छप कर दी, हमारा स्टाफ जो है रुक गया जी जी। उसके बाद हमने कहा कि मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर ये लोग दोबारा मारने की धमकी दिए, तीन बार ये लोग बाहर जा रहे हैं मारने की धमकी दिए। उसके बाद फिर हम FIR करने के लिए चले गए जी, तो वहाँ हमारे आदमी आए FIR करने के लिए, जाके FIR किए। अच्छा, आपके आदमी आए और ये सब कराए, ये सब पूरा जी सर?